तो शंगलीरा ने इन दोनों को सम्मोहित किया है रक्त कमल लाने के लिए। ये दोनों अब तक रक्त कमल लेकर आएगी नहीं, मुझे मेरा जहर चाहिए अभी। अभी नहीं कभी। बुढ़ी सारी घटिया हरकतें कुछ हासिल नहीं। शकुन, मेरी जिंदगी में भी अपने प्यार के शकुन के 5-6 चांद लगाए तो। सर आप यहाँ क्या करें? आप जाइए ना, मंदिर जाइए। मंदिर बाबा? अरे मेरा मंदिर, मेरा रब तो यहाँ है, अंदर जाके क्या करूंगा। तो इसे भी ले जाते? हाँ हाँ, श्योर श्योर, चलो चलो चलो। नहीं नहीं नहीं, मैंने मंदिर के अंदर पैर रखा तो मेरा राज बाहर आ जाएगा। अब आप दोनों आरती शुरू कीजिए। हे भोलेनाथ, ऋषभ की नजर कहीं विष की ग्रंथि पर ना पड़ जाए। नहीं मैं, आप जाइए ना। क्यों, क्यों नहीं जा सकती? वो मेरे महीने के वो वाले दिन चल रहे हैं ना, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सकती। ललित जी अंदर आइए। सर सर आप प्लीज अंदर जाइए ना। ये मेरे देव महादेव का शिव मंदिर है और तुम्हारा जहर हमने शिव जी की शरण में छिपाया है, वहां तक तुम कभी पहुंच नहीं पाओगी। मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने वाली प्रथा, जब तक मैं ऋषभ की जिंदगी से तुझे बाहर ना निकालूं और अपनी बेटी की खुशी उसे वापस ना दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, जय शिव शंकराय नमः। कहते हैं जहर ही जहर को काटता है। आपने सागर मंथन से निकला विष पिया था और अब उस विष नागिन के विष को भी अपने गले में धारण किया है। आपको कोटि कोटि नमन शिव जी। पंडित जी, शिव जी के मंदिर में कोई नाग है? क्योंकि हमारे घर में नाग दोष हुआ है। अगर नाग देवता ये दूध पी के प्रसन्न हो जाए तो हमारे घर का दोष मिट जाएगा। इस मंदिर में अब कोई सांप नहीं है। हे शिव जी, आप तो नाग देवताओं के देव है, आपके मंदिर में कहीं कोई नाग तो दिखाइए, मेरी पूजा संपन्न कीजिए। इनकी पूजा संपन्न मैं करूंगी। बेटा अब आप ये फूल और प्रसाद यहाँ पे सब बांट दीजिए। ये लो बेटा, शिवजी के गले का हार अब तुम्हारे गले में, समझ लो ये उनका आशीर्वाद है। तुमने मुझसे मेरा जहर छुपाया ना, अब तुम्हारा पति ही मुझे मेरा जहर वापस देगा। शिवजी ने मेरी बात सुन ली। ये शंगलीरा कहाँ गायब हो गई? सर कहाँ जा रहे हैं आप? अब जाके मेरी पूजा संपन्न हुई।
दादी की पूजा तो समाप्त हो गई, अब मैं जल्दी से जाके देखती हूँ शंगलीरा कोई अनहोनी ना कर दे। बेटा मुझे फूल और प्रसाद नहीं दोगे? दादी वो तो खत्म हो गए। आप एक काम कीजिए, आप मंदिर में मेरे साथ चलिए, मैं आपको वहीं दिला देता हूँ। नहीं बेटा, मैंने मन्नत मांगी थी कि आज मैं शिवजी को फूल चढ़ाऊंगी, पर मेरे पास फूल लेने के पैसे नहीं, तो बिना फूल के तो मैं अंदर नहीं जाऊंगी। आप ये माला रख लीजिए, अंदर जाकर शिवजी को चढ़ा दीजिए और अपनी मन्नत पूरी कर लीजिए। आपने अपनी माला उसे क्यों दी? छोटी सी माला ही तो दी, इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? हे शिव जी, तो धोखे से वो विष नागिन अपना विष ले गई है, पर मुझे भी आपकी कसम है शिव जी, मैं उससे उसका विष वापस हासिल करके रहूंगी। इस शिव भूमि को मैं उससे बचाऊंगी। शंगलीरा, मैं आ रही हूं। ये मेरे देश की यमुना का जल है, मैं तुझे इस जल को अपवित्र नहीं करने दूंगी, अपने देश पर संकट लाने नहीं दूंगी। तेरे जहर को क्या, तुझे भी यमुना के तट को छूने नहीं दूंगी। हर हर महादेव। देख ले मेरा ये रूप भी, देख ले। जय भोलेनाथ। तुम प्रयोगशाला में बनी विष नागिन हो और मैं शिव वरदानी शेष नागिन। मेरे देव मेरे शिव जी की शक्ति मेरे साथ है और उनकी शक्ति के सामने तेरी शक्ति कुछ भी नहीं। वो क्या कहते हैं, चले तो चांद तक नहीं तो शाम तक, यही कहते ना लोग तुम लोगों के बारे में। देख ले आज अपने आप को, ना चांद तक ना शाम तक। शिवजी ने हम शिव वरदानियों को एक विराट रूप दिया है तुम जैसों का काट करने के लिए। माफ कर दो, बस करो। मैंने सुना है हिंदुस्तानी बहुत बड़े दिलवाले होते, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो। हिंदुस्तानियों का दिल बहुत बड़ा होता है, तुरंत किसी को भी माफ कर देते हैं।
माफी देते हैं कि खुद माफी मांगने लायक नहीं रहते हैं। ये तो मैं तब तक नहीं मान सकती है जब तक ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की वो जगह पे वाना करे क्योंकि तुम्हारा मनी वहां। नागिन किसी के पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान के पास है ये। सुना था इसके सामने या उसके दंश से कोई बच नहीं सकता। नागिनों की नागिन शीश नागिन। जो 20 में होगा वो 19 में नहीं हुआ होगा। सब कुछ बदलेगा, पूरी दुनिया बदलेगी। नहीं नहीं, मैं ये नहीं करना चाहती। कहते हैं कि जब शेष नागिन मरती है तो उसे उसके अंदर अपनी पूरी जिंदगी दिख जाती है। देश का बदला लेने के लिए वो जरूर आएगी, जरूर आएगी। शेष नागिन जरूर आएगी। माँ देखो ना, महक दीदी मुझे तंग कर रही है। तुझे नहीं पता शेष नागिन बनना बहुत बड़ी बात है। बुरे वक्त का संकेत है। क्या बोल रही थी चिंगिस्तान के लिए? चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। अरे तू तो खुद को ही नहीं बचा पाई, देश को बचाने चली थी। मेरी सासें कभी नहीं छोड़ेंगी मेरा साथ। जय भोलेनाथ। हे देवों के देव महादेव, मैं जानती हूँ आप हो। आज अपने होने का प्रमाण दो, मुझे मेरे देश की मिट्टी और इस मिट्टी की शान दो। आओ महादेव आओ, मेरी आंखों में विराजमान हो। मैं तुम्हें से जाने नहीं दूंगी। प्रदा तुम मेरी बहन हो, मेरी जान, मेरा जिगर। मैं तुम्हें एक आंच नहीं आने दूंगी। तुम्हारे साथ ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि तुम शेष नागिन हो। उस रात तुम कभी शेष नागिन नहीं बनना चाहती थी। उस
रात उस महल में जो हुआ उसकी वजह से आज तुम्हारी जान को खतरा है। मैं तो अपनी आंखें खोलो प्लीज। तुम शेष नागिन हो, शेष नागिन की आंखें कभी बंद नहीं होती है। प्रता प्रता आंखें खोलो। नहीं बचेगा, कोई नहीं बचेगा। अगर आज मेरी बहन की जान गई तो मैं इस पूरे कायनात को आग लगा दूंगी, इस पूरे ब्रह्मांड को हिला दूंगी। जानदारों की कसम, सबको तबाह कर दूंगी, सबको खत्म कर दूंगी। मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे कर सकता हूँ? सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली शेष नागिन खुद हैं। उनकी सांसें वापस लाने के लिए मैं मदद नहीं कर सकता। नहीं, नहीं, तुम्हें करनी पड़ेगी। तुम वही हो ना जो शेष नागिनों नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे जमीन के नीचे से बुलाया था। ये अपने देश और अपनी मिट्टी के लिए आई है, और अगर तुमने अपने देश को बचाना है तो तुम्हें इसे बचाना होगा। कैसे बचाऊं? मुझे बताओ कैसे बचाऊं? वाह, पहले आवाम करके इसको बुलाया और इसका इस्तेमाल किया। ये बहन है मेरी, और अब मुझे बोल रही हो कि कैसे बचाओ? इसको कभी शेष नागिन नहीं बनना था। उस रात क्या हुआ कि किसी को नहीं पता है। क्या हुआ था उस रात को? ये वक्त नहीं है उस रात की बात करने का, ये वक्त है शेष नागिन को बचाने का। अगर ये बचेगी तो ये देश बचेगा। इसे अपनी सारी शक्ति इस्तेमाल करके शंगलीरा को मूर्ति बना दिया है, और इसकी शक्तियों का असर रात के तीसरे पहर तक ही रहेगा, और फिर से शंगलीरा एक चलता फिरता विष बन जाएगी और पूरे देश में अपना जहर फैला देगी। अगर कोई बचा सकता है तो वो है सिर्फ शेष नागिन। फैसल साहब, आपको जल्दी ही कुछ करना होगा। इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा। क्या? शंगलीरा को मारना होगा, और शंगलीरा को मारने से पहले तुम्हें वो चेहरा ढूंढना होगा जिसका चेहरा शंगलीरा ने लिया है, शलाका। और याद रखना, शलाका ही एक है जो शंगलीरा को मारने में हमारी मदद कर सकती है। जैसे शंगलीरा का विनाश होगा, शेष नागिन के शरीर में जो विष है वो विष शेष नागिन का शरीर छोड़ देगा। शलाका? शलाका तो वही है जो हमारी नागवंश की नागिन को मारने आई थी और नागमणि चुराने आई थी। शलाका ने बताया था कि वो नागिन हुआ करती थी, और उसकी बुराइयों ने उससे नागिन की सारी शक्तियां छीन ली थी। उन शक्तियों को हासिल करने के लिए उसने नागमणि को चुराने की कोशिश की थी, लेकिन बाद में वो पछताई, इसलिए अब वो पश्चाताप कर रही है, घोर जप तप कर रही है। कहाँ? वहीं जहाँ सारे नाग नागिन अपनी तपस्या करते हैं, नीलगिरी पहाड़ी के पीछे चंद्रशिला जंगल में। और याद रखना, शलाका ही एक है जो हमारी मदद कर सकती है। प्रता, प्रता, मैं तुम्हारी जिंदगी वापस लेके आऊंगी। मैं आ रही हूँ। आ गई, तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। मैं बरसों से अपने देव, अपने शिव का घोर तप कर रही हूँ।
उनसे एक ही प्रार्थना कर रही हूँ कि मेरे जप तप और मेरे पश्चाताप की आहुति स्वीकार करें। तो आज उन्होंने मेरे पश्चाताप का अंत कर ही दिया। आपको कोटि कोटि नमन मेरे महादेव। बोलो मैं शेष नागिन के लिए क्या कर सकती हूँ? शलाखा, जो तुम कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा ये चेहरा शंगलीरा का विनाश करने के लिए तुम्हें हमारे साथ आना होगा। अपनी भूल को सुधारने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। शंगलीरा का विनाश करके अगर मेरी बुराइयों का विनाश हो जाए और मुझे फिर से मेरे शिव का वरदान मिल जाए, जय भोलेनाथ, जय महादेव। क्या बात है मिस्टर ऋषभ? नई नई शादी और आपकी बीवी गायब, पर क्यों? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे वो तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जब देखो आपकी पत्नी भाग जाती है। वैसे क्या लगता है आपको, आपकी पत्नी मिस प्रथा कहाँ होगी इस बार? यही पता करने के लिए आपको बुलाया इंस्पेक्टर। इस घर में कोई तो बड़ी साजिश चल रही है जिसकी वजह से वो बार बार गायब हो जाती है। अब वो गायब क्यों होती है ये राज आपको पता करना है। बड़ी अजीब बात है, सीमा के इस घर में इतना रुतबा है फिर भी प्रथा के सामने सीमा का कोई जोर नहीं चलता। अरे ऋषभ साहब, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल हिंदुस्तान के हर पति का है। प्रणाम करती हूँ मैं उस शक्ति को जो नागिनों की नागिन शेष नागिन है। प्रथा, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शलाका, सूरज उगने से पहले तुम्हें शंगलीरा का अंत करना होगा। वहां शंगलीरा का अंत होगा और यहां मेरी बहन को उसके जहर से मुक्ति मिलेगी। अगर तुमने सूरज उगने से पहले शंगलीरा का अंत नहीं किया तो मेरी बहन, मैं अपनी प्रथा को खो दूंगी। नहीं महक, ये मेरे सामने जो है वो ब्रह्मांड की वो शक्ति है जिसे स्वयं शिवजी ने अपनी शक्ति दी है, जिसे चुना गया है, जो नाग वंश की सर्वश्रेष्ठ नागिन है। ये शिव वरदानी ऐसे नहीं मर सकती। अब मेरी मदद कीजिए, मुझे उस शंगलीरा तक ले जाइए। चलो मैं आपको लेके चलती हूँ। आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको कहीं और जाना। कहाँ? गुजराल हाउस। अगर वहाँ किसी को पता चल गया या जरा भी शक हो गया कि घर की बहू घर में नहीं है, हजारों सवाल उठेंगे और आपको उन सवालों का जवाब बन के वहाँ जाना। मैं प्रथा को यहाँ अकेले छोड़ के नहीं। महक जिद मत करो, अगर शेष नागिन होश में होती तो वो भी यही कहती। महक, मैं शेष नागिन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। वैसे मिस्टर गुजराल, आपकी पत्नी, वो आपकी हॉटशॉट सिक्योरिटी इंचार्ज का क्या नाम है वो, हाँ, हीना खन्ना, हीना खन्ना के साथ तो नहीं भागी? क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि देखो हीना खन्ना भी कहीं नजर नहीं आ रही, तो ऐसा हो सकता है दोनों एक साथ। राइट right. हमेशा की तरह फिर से अपना फोन नहीं उठा रही हो। अरे मंदिर में मुझसे बेवजह झगड़ा कर लिया और उसके बाद निकल गई। क्या ऋषभ जी, कुछ देर के लिए आपकी नजरों के सामने से क्या चली जाती हो, आप तो पुलिस ही बुला लेते हो, इतना प्यार?
प्रथा को लगता है कि मुझे ये पुलिस वाला क्यूट लगता है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल क्यूट नहीं लगता है। अब मुझे यही रहना होगा क्योंकि मैं प्रथा बन के आई हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? एक तरफ मुझे लग रहा है प्रथा दुश्मनों के साथ मिलके कोई साजिश रच रही है, और यहाँ ये जिस तरह इस पुलिस वाले को देख के स्माइल, तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? वो मैं नागदेव के मंदिर गई थी, नागदेवता पर दूध चढ़ाने। वो मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, जाके आराम करती हूँ। तो ठीक है ऋषभ साहब, हम भी चलते हैं। वैसे अगर आपकी पत्नी कल फिर से गायब हो जाए तो फिर से बुला लेंगे, उड़ के आ जाएंगे। जय हिंद। ऋषभ, अगर वो पुलिस वाले को देख के स्माइल भी कर रही है तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा था? और वैसे भी तुमने पुलिस को बुलाया क्यों? रीम, मैंने बस उनको इसलिए बुलाया था ताकि वो ये पता लगा सकें कि ये बार बार कहाँ चली जाती है। लेकिन वो इधर ही तो थी, तुमने देखा नहीं वो कैसे स्माइल कर रही थी उसको देख के? रीम, आई एम जस्ट वरीड। मुझे शक है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। मुझे तो पूरी की पूरी दाल काली लग रही है। मतलब? ऋषभ, तुमने प्रथा से शादी इसलिए की ना क्योंकि तुम्हें उस पर शक था और तुम जानना चाहते हो कि वो क्या राज छुपा रही है। तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है? वो किसी को भी देख के हंसे, किसी को भी देख के स्माइल करे। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ऋषभ, ये जो प्रथा के साथ रिश्ता है एंड ऑल दैट, तुम खत्म करना चाहते हो ना? ऑफ कोर्स रीम, खत्म करना चाहता हूँ। रीम, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ओके, आई डोंट नो मुझे गुस्सा क्यों आ गया, शायद इसीलिए कि वो इस घर की बहू। ऋषभ, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो बोल रही थी वो इधर ही थी, लेकिन हमें पता है वो यहाँ नहीं थी। हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता करना है, एंड उसके पास्ट के बारे में भी। You're right. रात का तीसरा पहर खत्म होने वाला है। जैसे ही ये प्रहर खत्म, शेषनागिन खत्म, बस कुछ ही देर में मुझे मेरा पूरा शरीर वापस मिल जाएगा और फिर मैं यमुना में अपना जहर डाल दूंगी। जहर का असर ऐसा होगा कोई नहीं बचेगा, हर तरफ तबाही होगी। मुझे रोकने कौन आएगा? दुश्मन दुश्मनी भी निकाल रहा है तो दुश्मन का चेहरा लेकर, ये पहली बार देखा है। तुम हमारे देश को छल से काटने आई हो, लेकिन तुमने अब तक इस देश की नागिनों का बल नहीं देखा, लेकिन अब देखोगी क्योंकि तुम्हारे सामने खड़ी है तुम्हारी मौत। तुम क्या तबाह करोगी हमारे देश की यमुना और यमुना के इलाके को? तुम्हें मारने आ गई है शलाखा। मैं एक चलती फिरती बर्बादी हूँ, जहर हूँ, मौत की लहर हूँ, तू मुझे रोक नहीं सकती शलाखा। अरे मैंने शेष नागिन को मार दिया तो तू क्या चीज है मेरे सामने? सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तुमने शेष नागिन को मार दिया तो मैं क्या चीज हूँ तुम्हारे सामने? कुछ भी नहीं, मैं तो बस तुम्हारी रंगत देखने आई थी। देख, अब सुनो, मैं तुम्हें मारने नहीं, तुम्हारी शक्ति देखकर तुमसे दोस्ती करने आई थी।
मैं तुम्हारी दुश्मन है, मैं तुम्हें मारने नहीं आई, तुमसे दोस्ती करने आई हूँ। कुछ तो गलत हो रहा है, क्या करूं, क्या करूं सर? कोई शलाका उसके साथ मिल तो नहीं गई? हाँ, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं, तुम्हारी दोस्त हूँ, तुम्हारा साथ देने आई हूँ, सच। क्योंकि नाग नागिन के देव ने, शिव ने मुझे नागमणि का कभी वरदान तो दिया नहीं, तो मैं अपनी शक्तियां उन शिव वरदानी नागिनों के लिए क्यों बर्बाद करूं? तुम्हें पता है, मैं तो खुद चाहती थी कि वो शेष नागिन मर जाए, पर मेरी चाहत को अंजाम तुमने दिया है, मेरे मकसद को पूरा कर दिया तुमने। चल चलो, हम दोनों मिल जाते हैं, हम एक दूसरे की चाहत पूरी करते हैं। तुम मुझे नागमणि दिलवाने में मदद करो, मैं तुम्हें तुम्हारा मकसद पूरा करने में मदद करूंगी। बोलो, मंजूर है? सोचा नहीं था दुश्मन देश में भी दोस्त मिल जाएंगे। चलो एक दूसरे के काम आते हैं, अपने काम के अंजाम तक जाते हैं। तुम्हें नागमणि चाहिए ना? पर मुझे पहले यमुना नदी में विष घोलना है। शेष नागिन की तबीयत खराब हो रही है, इसका मतलब शलाका ने अपना काम नहीं किया। धोखा दिया शलाका ने, शुरू से ऐसी थी, मैंने क्यों किया उस पर भरोसा? तुमने मुझे धोखा दिया? तुम्हें क्या लगा था मैं तुम्हें मेरा देश बर्बाद करने का मौका दूंगी? अपने देव शिव को मनाने के लिए बरसों तपस्या की, अपनी बुराइयों की क्षमा मांगने के लिए मैंने नागमणि चुराने का पाप किया था, और पाप को धोने के लिए बरसों पश्चाताप किया। आज मुझे मौका मिला है तुम जैसे दुश्मन से अपने देश को बचाने का, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं बचाऊंगी? अपने देश को बचाकर मैं फिर से शिव वरदानी बन जाऊंगी। रक्त का 30 रुपए खत्म होने वाला है, तुम सारी नागिनों की मौत है। विष तो मैं यमुना में डालूंगी, लेकिन उससे पहले तुझ पर वार करूंगी। तुझे नहीं छोड़ूंगी, बच सकती है तो बच ले। सबको प्रथा का चेहरा दिखा दिया कि वो यही है। अपन जल्दी से नागिन का रूप लेके अपनी बहन प्रथा को मिलने जाती हूँ। तुम कौन हो प्रथा? नहीं, वो मंदिर के बाद मुझे लगा तुम मेरा बर्थडे केक कटवाओगी, पर तुम तो खाए भी हो गए। कहाँ चली गई थी वो? मैं आज तो मैं इसके मुंह से सच उगलवा के ही रहूंगा। खैर छोड़ो, केक नहीं काटा तो क्या हुआ, लेट्स सेलिब्रेट ना, कम ऑन। ये लो, चीयर्स। नहीं मैम। तुम्हें तो बहुत पसंद है ना, पियो। नहीं। I know myself. मैं ये सब इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारे मुंह से सच सुनना है। प्यार तो मैं रीम से ही करता हूँ, तुमसे नहीं।
मैं क्या कह रहा था कि आज तक हम करीब तो आए नहीं है, राइट? लेकिन आज अरे क्या हो गया? नहीं, अब तुम इतना डर क्यों रही हो? अरे चलो कोई बात नहीं, वैसे ही तुम्हें ढूंढ ढूंढ के आज मेरे शोल्डर में बहुत दर्द हो गया, वही दबा दो। हेलो, अब ऐसी खड़ी रहोगी या दबाना शुरू करोगी? शोल्डर्स दर्द हो रहा है यार, कम ऑन। इतना काम करवाती हूँ कसम से। उस दिन जब तुम अबतन लगाने आई थी तब तो बिल्कुल नहीं शर्म आ रही थी तुम्हें, एकदम से आज क्या हो गया? और कल रात को तो तुम्हें खुद चाहती थी ना। अभी आप क्या कर रहे हो अपने जीजू? जीजू? क्या क्या बोला तुमने? वो हाँ वो क्या? वो हमारी सिक्योरिटी इंचार्ज है ना हिना कन्ना, वो मेरी बहन जैसी है, तो आप तो उसके जीजू ही हुए ना। क्या? मैं अभी आती हूँ। इस लड़की को मेरे में तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन कुछ तो दिखता था इसकी आंखों में, लेकिन पता नहीं मुझे भी क्या फर्क पड़ता है। बाहर क्यों नहीं निकल पा रही? ये आग कोई साधारण आग नहीं है, मेरे शिव की धुनी आग है, और इस आग से कोई शैतान बच नहीं पाया। फिर तू तो प्रयोगशाला की नकली नागिन है। मुझे अच्छी तरह से पता था कि तू यमुना किनारे अपना विष घोलने जा रही थी और मुझे तुम्हें रोकना था, पर तुम पलट कर वार जरूर करती, इसीलिए मैंने तुमसे अपनी झूठी दोस्ती का स्वांग रचाया। देख तेरा अंत, देख मेरे शिव की शक्ति, देख तेरी मौत, देख। कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। मैं जो कर दे आई थी करके जाऊं।
सकती थी, अब मैं ठीक हूँ। शलाका, आज तुमने मेरी मौत से मुझे जिंदगी दी है, तुम्हें कोटि कोटि नमन है। शलाका, आज तुमने शंगलीरा का किस्सा खत्म कर दिया है। मैंने जो नागमणि चुराने का पाप किया था, आज अपनी बुराइयों का विनाश करके उसका पश्चाताप करने का मौका मिला है। लगता है आज मेरा पश्चाताप पूरा हुआ। लेकिन प्रथा, शंगलीरा ने मरने से पहले अपना विष यमुना में घोल दिया। सागर मंथन को फिर से होना होगा, जैसे शिव ने मंथन से निकले विष का विषपान किया और नीलकंठ बन गए। जैसे कृष्ण ने कालिया नाग से लड़के यमुना से विष को निकाला और नीलवरण बन गए, वैसे ही आपको यमुना के इस जल में मिले विष का विषपान करना होगा। और यह काम सिर्फ शेष नागिन कर सकती है। उसके लिए आपको शिव को प्रसन्न करना होगा और शिव को अपने वरदानी नागिनों का साथ देना होगा और नागिनों को अपने शिव को प्रसन्न करना होगा। आपको शेष नागिन, आपको ये पूरा विष पीना है। आज की रात आप सबको शिव जी को प्रसन्न करना है।